आप सभी दर्शकों का जन जागृत न्यूज चैनल में। आइए आपको दिखाता हूँ मिर्जापुर के जिगना थाना अंतर्गत ग्राम सभा बराह खुर्द में दो दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ दिनांक 21/3/2021 को हुआ और दिनांक 22/3/2021 को फाइनल मैच मांडा रोड और बमपुर के बीच खेला गया। मैच बहुत ही रोमांचक खेला गया और सभी दर्शक भरपूर आनंद लिए। इस प्रतियोगिता का नाम लहरी भैया टूर्नामेंट रखा गया था, जिसके मुख्य अतिथि श्यामकांत शुक्ला जी को बनाया गया था और समापन के अवसर पर क्षेत्र के तमाम गणमान्य व्यक्ति तथा जिगना थाना अध्यक्ष श्रीवास्तव जी भी उपस्थित होकर सभी खिलाड़ियों और दर्शकों का हौसला अफजाई किए। आइए देखते हैं वीडियो क्लिप को। वक्तव्य को साझा करने के लिए इस सफल वॉलीबॉल टूर्नामेंट के विषय में चाहूंगा जरूर वक्तव्य को पेश करते हुए दो शब्द में माननीय श्यामकांत शुक्ला लहरी भैया जी। हेलो, मैं सबसे पहले यहाँ उपस्थित जन समुदाय को सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जनता ही जनार्दन है। जनार्दन मतलब स्वयं भगवान। तो जब भगवान सामने रहे तो सबसे पहले उन्हीं को नमस्कार किया जाता है। वैसे भी आज की डेमोक्रेसी में जनता की ही सबसे ज़्यादा वैल्यू है। वो जब चाहे जिसे चाहे, उनमें इतनी ताकत है कि वो एक चाय बेचने वाले को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ उपस्थित जनता का अभिवादन करता हूँ। देर ज़्यादा हो गई है, बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं जो आज की जी सारे सदस्यों को, सारे टीम मेंबर्स को मैं बधाई देता हूँ, उनकी बड़ी जीत के लिए मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही साथ जो आज इस मैच में हार गए, फाइनल में हार गए बमपुर की टीम, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। लोग सर्विस से ही निकाल लेंगे, सर्विस और ये स्टार्ट से। और साइड से हम किया और यहां काम के हाथ में आएगा कमेटी और मेरा कमेटी का मैं हमारा बढ़िया सर्विस करना किसी को ये काम किए और चलो मैं रिसीव ये देखिए मेरा सलाम के द्वारा हम तेरे में काम में बहुत ज्यादा तरीके से करते हैं और इस हमारे साथी हमारा जरूर जी की मदद से चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज सच के साथ, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।